अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू व्लॉगिस्तान। और आज आपको जो मैं रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है कद्दू का हलवा। हलवे में जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है, आइए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। मैंने लिया है 1 किलो कद्दू, 1/2 किलो खोया, 1 पाव देसी घी, इलायची पाउडर, बादाम क्रश करके रखे हैं मैंने, शुगर 1 पाव, और कुछ लिए हैं मैंने काजू। जी मैंने जो कद्दूकश किया था सिर्फ इसे मैंने सादा भी कढ़ाई में डाल के रखा है। इसे हम 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही बनाएंगे ताकि जो इसके अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए। जैसा कि मैंने बताया था इसे हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, और ये देखें आप इसका सारा पानी बाहर आ रहा है। इसी पानी में इसने बन के तैयार हो जाना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो चीज़ इसमें डालूंगी आपको दिखाती रहूंगी साथ साथ के मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका भी हलवा बिल्कुल इसी तरह बनेगा जैसे मैं बना रही हूँ। पानी इसका सूख के ड्राई हो चुका है, और अब हम इसमें ऐड करते हैं चीनी। शुगर मैंने 1 बाउल दिखाया था आपको, लेकिन इसमें मैंने खोया भी डालना है, तो इसलिए चीनी मैं इसमें भी हाफ ऐड करूँगी, और हाफ मैं देखूँगी अगर ज़रूरत हुई तो फिर इस्तेमाल करें। आधी चीनी मैंने डाल दी और आधी मैंने बचा ली है, ज़रूरत हुई तो मैं और डाल लूँगी। दो से 3 मिनट तक पकाते हैं ताकि चीनी की चाश इसमें अच्छी तरह निकल जाए, और हमारी चीनी कद्दू वाले हलवे के साथ अच्छी तरह से मैश हो जाए। ये आप देख सकते हैं चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसे 3 से 4 मिनट तक अभी हम बनाते हैं ऐसे ही। फूड कलर है ये ग्रीन कलर का, क्योंकि कद्दू का कलर बहुत लाइट हो गया था और मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मैं कहा चलो मैं आपको बता दूं कि मैंने 1/2 टीस्पून डाला है इसमें कद्दू का कलर, ये ग्रीन वाला, और देखें इससे इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। ऐड करने लगी हूँ इसमें 2 चम्मच इलायची पाउडर, बहुत ही अलग किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। ये देसी घी जो मैंने लिया है 1 पाव से ये ज़्यादा है, और मैं ये ऐड करने वाली हूँ। जो बादाम मैंने क्रश करके रखे थे मैंने वो ऐड किया है। देसी घी जो 1 पाव से ज़्यादा था, तकरीबन 1.5 पाव, मैंने वो ऐड किया है। अब ऐड मैं इसमें करने लगी हूँ ये खोया जो मैंने 1/2 kg लिया था, अब इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी। फ्लेम हम थोड़ा सा स्लो रखेंगे ताकि हल्की आग पे खोया अच्छा से इसका मैश हो जाए।
खोया हमारा अच्छी तरह स्मैश हो चुका है इसे देख सकते हैं आप। और चीनी मैंने जो आपको दिखाई थी, शुगर मैंने वही जितनी इस्तेमाल की, हाफ बोल, बाकी ये वैसे ही पड़ी हुई है क्योंकि मेरा मीठा इतना ही बहुत अच्छा हो गया। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। और आप सर्दियों के दिन हैं, आप लाजमी बच्चों को बना के ज़रूर दें क्योंकि देसी घी में बने खाने सर्दियों में बच्चों और बड़ों के लिए बहुत मुफीद होते हैं। और कद्दू हमारे दिमाग को ठंडा रखता है, हमारे मैदे को ठंडा रखता है। सब्ज़ी के अलावा आप इस कद्दू के हलवे को ट्राई भी करें और देखें आप कितना मज़ेदार लजीज़ हलवा हमारा तैयार है। बस इसे आप मैं डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कद्दू का हलवा जो मैंने ये डिश आउट किया आप देख सकते हैं, इसमें काजू और बादाम मैंने डाले हैं, खोया डाला है हाफ के जी, देसी घी डाला 1.5 पाव, और 1 किलो मेरा ये कद्दू था। आप जो रेसिपी में आप कम ज़्यादा करना चाहें तो उसी के हिसाब से आप मिकदार ज़्यादा कर लें। और चीनी इसमें मैंने हाफ बोल डाली थी, वो मैंने आपको बार बार दिखा भी दिया था। सो अपनी वीडियो को एंड करते हुए मैं आपसे यही कहूँगी कि नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।